दिन खत्म होते होते नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दुनिया भर के फिल्मकार और फिल्म हस्तियों का सबसे बड़ा समारोह कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में जारी है। 14 से शुरू होने वाले और 25 मई तक चलने वाले इस रंगारंग महोत्सव का उद्घाटन शानदार रहा। कान फिल्म महोत्सव के दौरान भारत पर्व में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का भी अनावरण किया गया। कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर द फर्स्ट वंस टू नो को 77वें कान फिल्म महोत्सव में ला सिनेफ कैटेगरी में चुना गया। इसके अलावा दुनिया भर में मशहूर इस फिल्म फेस्टिवल से और जुड़ी जो बातें क्या हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से बताएंगे आपको। भारत मंडप के कई सत्रों में से एक थी भारत के अनेक शहरों के फिल्म महोत्सव को ये समर्पित रहा। दरअसल भारतीय फिल्म महोत्सव भारतीय सिनेमा की जीवंतता को प्रदर्शित करता है। इसकी विविधता, रचनात्मकता और सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाता है। गोवा में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से लेकर मुंबई फिल्म महोत्सव और कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जैसे क्षेत्रीय महोत्सव तक ये कार्यक्रम उभरते और स्थापित फिल्म निर्माताओं के लिए अपना काम दिखाने और संवाद करने के लिए मंच के रूप में काम करते हैं। वहीं फ्रांस में आयोजित कान फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन में महाराष्ट्र फिल्म सिटी का एक स्टॉल जो है वो लगाया गया है। यहाँ महाराष्ट्र को फिल्म डेस्टिनेशन का हब बनाने के लिए एक सत्र का भी आयोजन किया गया। महाराष्ट्र फिल्म स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम की प्रबंध निदेशक स्वाति महासे पाटिल ने इस सत्र को संबोधित किया। फिल्म सिटी के नाम से मशहूर दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी को कैसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया गया है, साथ ही महाराष्ट्र में नई जगहों पर सरकार फिल्म प्रोड्यूसर्स को शूटिंग के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रही है, इसी को लेकर स्वाति महासे पाटिल से बातचीत की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। कान फिल्म फेस्टिवल के माशिडू फिल्म में भारत पवेलियन लगी हुई है और यहाँ पर अपने आप को एक फिल्मिंग डेस्टिनेशन के तौर पर और भी बेहतरीन तरीके से दिखाने का प्रयत्न कर रहा है फिल्म सिटी मुंबई। और हमारे साथ स्वाति महासे पाटिल हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आपने एक सेशन भी संबोधित किया जहाँ पर आपने कई सारी जो नई बातें हैं फिल्म सिटी में क्या क्या और नया आया है वो सब बताया है, थोड़ा हमें भी बता दीजिए संक्षेप में। फिल्म सिटी अभी रिवैम्पिंग कर हो रहा है और रिवैम्पिंग में हम लोग नए तरीके से पेश आ रहे हैं। उसमें हम स्टूडियो जो पायाभूत आधारभूत संरचना होती है एक, तो उसमें स्टूडियोज आते हैं, रोड्स आते हैं और स्पेशल इफेक्ट स्टूडियोज आते हैं। मराठी फिल्मों की ट्रेलर लॉन्च की गई है, जिप्सी, वल्ली और बहरा। क्या है ये और क्या किस तरीके से हम रीजनल तो अब रहा नहीं कुछ, लेकिन कंटेंट वाइज जो है वो बेहतर होते जा रहा है, तो मराठी सिनेमा को किस तरीके से हम कह सकते हैं प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर विश्व स्तर पर? मराठी सिनेमाज अभी हम लोग जिप्सी, भेरा और वल्ली लेके आए हैं। ये कुछ अलग अलग तरीके के चित्रपट है जिसमें एक सोशल कंटेंट बताया, सामाजिक भाष्य उसमें किया गया है और उसमें दिखाया है कि मतलब आई विल नॉट से ऑन द कंटेंट बट इट इज़ अ वेरी डीप, इट इज़ हैविंग अ वेरी डीप कंटेंट उसमें। तो अपने आप के लिए इनको अच्छा प्लेटफॉर्म है और अधिकाधिक ये जो प्रोड्यूसर्स है वो बस 20-21 साल के हैं, तो अगर वो ये लेके आए हैं तो उनको प्रोत्साहित करना हमारा काम है। और ऐसे और एक और पिक्चर्स आएंगे, 2016 से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अधिकाधिक मूवी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो हमने जान लिया कि महाराष्ट्र जो है एक तरीके से अपने आप में पूरी तरीके से सज्ज है फिल्मिंग डेस्टिनेशन को लेके, और अमूमन जब हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में पहले मुंबई आता है। मुंबई भी और बेहतर हो रहा है फिल्म सिटी के साथ में और साथ ही ला रहा है अपने साथ राज्य के अन्य लोकेशंस भी फिल्मिंग के लिए बेहतर बनाने के लिए। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन फ्रांस।
तो इस फिल्म महोत्सव के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मौजूद हैं, चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं और इस दौरान एक जो रोड शो है वो भी उन्होंने किया। किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार वहां पहुंचे, जनसैलाब जो है वो उमड़ता नजर आया। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम और ये आप भी देख पाएंगे किस तरीके से पीएम के स्वागत के लिए जो लोग थे वो आतुर नजर आए और साथ ही साथ जहां भी हमने देखा है अक्सर जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी पहुंचते हैं एक नई ऊर्जा का नया उत्साह का जो संचार है वो होता हुआ नजर आता है और साथ ही साथ जो लोग हैं वो उनको देखने के लिए उतना ही उत्साहित भी रहते हैं।
देखा आपने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का ये वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री जब पहुंचे वहां पर तो लोगों का जो सैलाब है वो उमड़ता नजर आया प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए और उनकी तस्वीर को अपने मोबाइल फोन्स में कैद करने के लिए। तो यही एक लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हम देखते हैं किस तरीके से उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए भी लोग बेताब रहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारे खास कार्यक्रम में, आपको बताएंगे भारत एडवांस में किस तरीके से लगातार जो अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं और कैसे इस फिल्म महोत्सव में अलग अलग जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ईएसटी गोवा की सीईओ अंकिता मिश्रा ने भारत पवेलियन में एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि गोवा फिल्म शूटिंग की अनुमति जारी करने के लिए एकल खिड़की सेवा के साथ शूटिंग के लिए आदर्श स्थान है। आगे उन्होंने कहा कि तार्किक रूप से अगर देखा जाए तो गोवा अच्छी जगह है, क्योंकि खासतौर से अच्छी तरीके से वो जुड़ा हुआ है जो इसे एक आदर्श फिल्म शूटिंग स्थल बनाता है। और क्या है गोवा में, आइए जानते हैं हमारी संवाददाता से जिन्होंने सीईओ से बात की। कैन फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन में कई सारे राज्य आए हैं सामने जो अपने आप को एक फिल्मिंग डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना चाह रहे हैं। गोवा ने भी आज एक सत्र को संबोधित किया और हमारे साथ एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा की सीईओ अंकिता मिश्रा हैं। आपने एक झलक बताई लोगों को कि क्यों वो आए आपके यहाँ पर फिल्म बनाएं, क्या है फिल्मिंग डेस्टिनेशन के, आप लोकेशंस बताइए क्योंकि बीचेस के अलावा लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं जी। सो जैसा कि आज के सेशन में भी मैंने कवर किया था और आपको दिखाया भी था कि गोवा बियॉन्ड बीचेस क्या है। सो गोवा सिर्फ और सिर्फ बीच तक सीमित नहीं है, वहाँ वाइल्ड लाइफ है, ग्रीनरी है, वेस्टर्न घाट्स हैं, यू नो आपके चर्चेस हैं, मतलब द आर्किटेक्चर, एवरीथिंग अबाउट गोवा बेसिकली उस पे मैंने एक आज थोड़ा हाईलाइट आप लोगों को दिया था। सो आई फील कि गोवा बिकॉज उसका जो जो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड द साइज ऑफ गोवा इज़ सो स्मॉल, सो ट्रैवलिंग इज़ सो ईजी एंड इफ़ यू वॉन्ट टू शूट इन अ टाइम कंस्ट्रेंट थिंग एंड यू वॉन्ट टू कवर एवरीथिंग द बीचेज माउंटेन्स और वाइल्ड लाइफ, तो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर गोवा आए और यहाँ पे फिल्म शूटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीटली हैसल फ्री रहेगा एंड देयरफॉर आई हैड आल्सो अर्ज्ड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म मेकर्स टू कम फॉरवर्ड एंड शूट इन गोवा। गोवा इज़ द ओनली स्टेट जिसका अपना खुद का एक फिल्म शूटिंग एक्ट है, बिकॉज ऑफ विच ESG जो है वो एक नोडल एजेंसी है जो आपको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की तरीके से फिल्म शूटिंग की परमिशंस देती है। सो आपको किसी भी और अथॉरिटीज़ के पास रन अराउंड नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे ESG को अप्रोच करेंगे एंड थ्रू दैट सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम आपको फिल्म शूटिंग की परमिशन मिल जाएगी। और जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही मिनिमल है, दैट इज़ विद इन 3 to 4 days योर परमिशंस आर ग्रांटेड। इस बार सेक्रेटरी सर ने वैसे ही ऐलान कर ही दिया है कि इस बार इफ़ी जो है वो बिगर होगा, बेटर होगा और ग्रैंड होगा। ये थी अंकिता मिश्रा जिन्होंने गोवा की स्पेशलिटी बताई, साथ ही जो फिल्मकार हैं ना सिर्फ भारत के अन्य देशों से, भारत के अन्य राज्यों से, बल्कि पूरे विश्व स्तर से जो यहाँ पर फिल्मकार आ रहे हैं उन्होंने भी एक झलक देखी कि क्या ऑफ़र करता है गोवा। बीचों के अलावा भी गोवा अपने आप में सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है, तो गोवा आएं और वहां पर फिल्म बनाएं। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, कैन, फ्रांस। ऐसे अलग अलग हमारे जो राज्य हैं अपने आप में एक विविधता उनमें समाई हुई है। वहीं अभिनेत्री निहारिका रायसादा जो पी रैयर की पोती हैं अत्रिका फिल्म से मलयालम में डेब्यू कर रही हैं, जिसका पोस्टर और ट्रेलर कांस के भारत पवेलियन में लॉन्च किया गया। डीडी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अत्रिका राष्ट्र की एकता के प्रमाण के रूप में खड़ा है जो क्षेत्रीय सीमाओं से परे सहयोग को दर्शाता है। खूबसूरत परिधान पहने निहारिका हमारे साथ हैं जो ओपी नैयर की ग्रैंड डॉटर हैं। निहारिका से बात करते हैं। निहारिका, एक तो सबसे पहले आप अपने ड्रेस के बारे में बताइए, साथ ही आपका ट्रेलर लॉन्च हुआ है यहाँ भारत पवेलियन में। बहुत खुश हूँ मैं, यहाँ पे 77th कैन फिल्म फेस्टिवल इस साल मेरा डेब्यू है। जो आउटफिट मैंने पहना हुआ है वो पायल सिंघाल ने मेरे लिए खास डिज़ाइन किया हुआ है रेड कार्पेट के लिए और मेरे लॉन्चेस के लिए। मेरा सबसे पहला लॉन्च हुआ है मलयालम फिल्म का, इट्स अ फीचर फिल्म, उसका नाम है अद्रिका और ये पहली बार मैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कर रही हूँ। पहले मैंने हिंदी फिल्में की हुई हैं बट मैंने साउथ कभी टच नहीं किया था, तो पहली बार मैं मलयालम फिल्म में एंटर कर रही हूँ। जो मूवी की नाम है अद्रिका, क्या है इसका मीनिंग और कुछ एक दो सेंटेंसेस में हमें स्नीक पिक दे दें।
तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो इसकी कहानी तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन एक लड़की है वो अपने माँ बाप का एक रिवेंज लेती है, प्रतिशोध लेती है, एक कुछ हादसा होता है उसके साथ, तो इतना ही मैं आपको बता सकती हूँ। हम लोग बस 3 लोग हैं फिल्म में, तो इट्स अ वेरी स्मॉल कास्ट, लेकिन एक बहुत ही कमाल का थ्रिलर बनाया है हमारे डायरेक्टर ने, अभिजीत आद्या, बंगाली डायरेक्टर है, और उन्होंने भी एक ऐसी भाषा में काम किया है जिसमें वो भी सक्षम नहीं है, और हम किसी भी, हम में से कोई भी सक्षम नहीं है मलयालम में, लेकिन हमने एक तमिल DOP के साथ, बंगाली डायरेक्टर के साथ, और एक हिंदी और फॉरेन एक्ट्रेस के साथ काम किया है, विच इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल और पैन इंडियन थीम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरा भारत आया हुआ है साथ में एक फिल्म बनाने के लिए। आप लेकिन फिल्म के ट्रेलर को लेके आई हैं कान फिल्म महोत्सव में, कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म आप देखती हैं कैन फिल्म फेस्टिवल को ट्रेलर लॉन्च के लिए या भारतीय फिल्म को पूरे वर्ल्ड के डायस्पोरा तक पहुंचाने के लिए? मैं बहुत गर्व से कह सकती हूं कि इस साल जो पायल कपाटिया की फिल्म है ऑल वी सी इज लाइट, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आई हुई है। बहुत कम आती हैं भारतीय फिल्म, और भी ज़्यादा आनी चाहिए। मैं खुद एक फिल्म में थी मसान बहुत साल पहले, जो यहाँ पे एक प्राइज़ जीत के गई। मैं भी एक दिन एक फिल्म के साथ यहाँ आना चाहूँगी। मुझे लगता है कैन फिल्म फेस्टिवल जैसी कोई जगह नहीं है सिनेमा को सेलिब्रेट करने के लिए, यहीं पर ही महोत्सव होता है सिनेमा का, और मैं बहुत खुश हूँ कि आद्रिका को ये प्लेटफॉर्म मिला। और थैंक यू टू भारत पवेलियन एंड थैंक यू टू एवरीबडी एट फिक्की, स्पेशली लीना एंड विकास, जिन्होंने ये मुमकिन करवाया। भारत पवेलियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके मूवी को, आपके ट्रेलर को, पोस्टर को विश्व स्तर तक ले जा सकता है, क्योंकि भारत पवेलियन के थ्रू कैन फिल्म फेस्टिवल मानती है जो एक ऑफरिंग होती है भारत की तरफ से, वो उसके ऊपर निगाहें रखनी अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम हैं कान फिल्म महोत्सव के एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी कराते हैं, और यहीं हमने निहारिका के साथ बातचीत की, जो अपने नए फिल्म के साथ में, जो माना जा रहा है 3-4 महीने में आउट होगा, लेकिन फ़िलहाल हम ट्रेलर से संतुष्टि कर लेते हैं। श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो जाना आपने आखिर क्यों कान फिल्म महोत्सव जो है उसको महोत्सव कहा जाता है, किस तरीके से अलग अलग देशों के जो सिने कलाकार हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और इस एक पर्व के रूप में इसको देखते हैं, और वहीं कान फिल्म महोत्सव में और क्या कुछ खास हो रहा है ये जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता श्यामा पशक का, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्यामा, जानना चाहेंगे आपसे आज की गतिविधियों की अगर बात की जाए, किस तरीके से, कौन से ऐसे और आज के सत्र हैं जो कि आयोजित किए जाएंगे भारत पवेलियन में? जी मुकुल, आज 6ठा दिन हो गया कैन फिल्म फेस्टिवल का, तो हम कह सकते हैं कि उत्सव कहीं ना कहीं अब अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो महोत्सव है, जो उत्सव है यहाँ पर, वो पीक पर पहुँच चुकी है। अगर हम प्रीमियर्स की बात कर लें तो प्रीमियर्स भी हो रहे हैं यहाँ पर, और इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन जो है उसमें भी कई सारी मूवी, द बर्ड, मेगालोपोलिस, ये सारी मूवीज़ लगी हुई हैं। ये लगभग रोज़ ही लग रही है क्योंकि इसकी इतनी पॉपुलर डिमांड है। एमिलिया क्लार्क, ये है मूवी जो आ रही है, प्रीमियर कर रही है यहाँ पर, जिसपे सभी की निगाहें बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम भारत पवेलियन की बात करें तो भारत पवेलियन आप पहले ही सुन चुके हैं कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर तक पहुँचाने में। तो आज यहाँ पर हम रोज़ देख रहे थे कि B2B मीटिंग्स हो रहे हैं स्पीड डेटिंग के तहत। ये एक अनोखा इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया हुआ है, जो 8 मिनट के अंदर डिस्कशंस ख़त्म करने होते हैं, उसके बाद आप उसे ऑफलाइन ले जा सकते हैं। तो आज ये मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ में होगी। काफ़ी सारे फिल्म निर्माता, फिल्मकार यहाँ पर आएंगे, भारतीय फिल्म जगत से जुड़े जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा AR रहमान भी आज आएंगे, एक सेशन उनकी भी है यहाँ पर भारत पवेलियन में। साथ ही कई सारे फिल्म्स के पोस्टर और ट्रेलर लॉन्चेस भी होने हैं। तो एक तरीके से जो भारत पवेलियन है, उत्सव तो मना ही रहा है, साथ ही जो उभरते कलाकार हैं उनको भी एक बहुत बड़ा स्थान दे रहा है कि आइए आप वो लॉन्च पैड की तरह इसे इस्तेमाल करिए और पूरे विश्व को बता दीजिए कि क्या है भारत के पास में, वो कैसे सभी को एक तरीके से चौंका सकता है और प्रसन्न कर सकता है। बिल्कुल श्यामा, जो उत्सव का उत्साह है वो हम कह सकते हैं चरम पर नज़र आता है, और लेकिन जैसा हमने देखा था इससे पहले आपने बातचीत की थी, क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं, विविधता हमारे देश में है, इसकी लोक संस्कृति है, अलग अलग पहलू हैं, लेकिन जो यहाँ से खासतौर से जब महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, अलग अलग राज्यों में एक तरीके की सुविधाएँ जो दी जा रही हैं उसको लेकर जब आपने बातचीत की थी, वहाँ पर किस तरह का रुख है, जो लोग पहुँच रहे हैं भारत पवेलियन और ये जान रहे हैं कि महाराष्ट्र की हम बात करें, गोवा की बात करें या किसी दूसरे राज्य की बात करें, तो वो किस तरीके से सुविधा दे रहा है फिल्म प्रोड्यूसर्स को? देखिए, 2 साल पहले हमने देखा था यहाँ पर जब
सूचना एवं प्रसारण मंत्री आए थे तो उन्होंने काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स किए थे। इफ़ी में भी हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं इंसेंटिव्स को लेके, फिल्मिंग डेस्टिनेशन पर आप आएँ उन सब चीज़ें के इंसेंटिव्स को लेके, सब्सिडीज़ को लेके। तो ये भारत के लिहाज से तो लोग समझते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ मिल रहे हैं, या आप लोकली आके क्रिएट करिए या लोकल्स को लीजिए अपने फिल्म्स को बनाने के लिए उन सब में। लेकिन भारत पवेलियन में आके उन्हें समझ में आता है कि जो भारत के बहुत सारे राज्य हैं वो क्या क्या ऑफ़र करते हैं, क्या क्या देते हैं लोगों को इंसेंटिव्स में, क्योंकि हर राज्य अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो जो विश्व स्तर के निर्माता हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स, मेकर्स हैं, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करें कि वो आएँ और उनके यहाँ पर मूवीज़ बनाएँ। तो इसमें हम सबसे पहले तो अगर हमारे सोच में आएगा, जहन में आएगा, तो वो ये होगी कि फिल्मिंग लोकेशन क्या होगी, फिल्मिंग डेस्टिनेशंस होंगी उसके अलावा। लेकिन इसके परे, इसके आगे जाते हुए जो राज्य हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, इन तीनों के सेशंस हमने देख लिए जो बहुत तरीके से फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, रिवैम्प कर रहे हैं। महाराष्ट्र की हमने बात की तो जो फिल्म सिटी है वहाँ पर उन्होंने रिवैम्प स्टूडियोज़ बनाए हुए हैं, उन्होंने ऐसे AC स्टूडियोज़ बनाए हैं जहाँ पर एडिटिंग बहुत ईजी हो सकती है, शूटिंग बहुत ईजी हो सकती है, मेकअप के जो रूम्स होते हैं उसे ज़्यादा आधुनिक किया है। तो हर पहलू को सोचा जा रहा है कि सिर्फ लोकेशन ही नहीं ऑफर करा जा रहा है कि प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन तकनीक जो भी एक फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होती है उन सभी बातों को सोचा जा रहा है और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सके, आदान प्रदान सोचना, सोच की आदान प्रदान के साथ में उसे बेहतर किया जा रहा है और वो पेश किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर्स को, ताकि वो आकर्षित हो सकें और वो अपना एक कह सकते हैं कि एक ऑप्शन में चूज़ कर सकें, क्योंकि उनके पास में लिमिटेड ऑप्शन नहीं है भारत में, उनके पास खूब ऑप्शंस हैं। अगर उन्हें समुद्र चाहिए तो वो वेस्टर्न की तरफ आ सकते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, वो कोलकाता की तरफ में भी जा सकते हैं, नीचे केरला, साउथ की तरफ जा सकते हैं, उन्हें अगर पहाड़ियां चाहिए तो वो जा सकते हैं नॉर्थ की तरफ में। एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर हम देख सकते हैं, लेकिन जो भी डेस्टिनेशन आप कह लीजिए वो समृद्ध है उससे। जी बिल्कुल है, लेकिन जो अलग अलग फिल्म के ट्रेलर रिलीज हो रहे हैं, पोस्टर रिलीज हो रहे हैं, जो भारतीय सिनेमा है उसको लेकर किस तरह का रुझान नजर आता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में? हम जब ये सेशंस कवर करते हैं मुकुल, तब हम देखते हैं जैसे कोई सेशन स्टार्ट होने वाला होता है तो कई सारे जो फॉरेनर्स होते हैं वो भारत पवेलियन में आते हुए नज़र आते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा उत्साह है कि उत्सुकता है, मैं कह सकती हूँ, कि क्या सेशन अब होने वाला है। जो भारतीय एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, अगर वो जब वहाँ पर आते हैं, पवेलियन में आते हैं, तो उनके साथ सेल्फी कराना, उनके साथ बातचीत करना, तो ये जो फॉरेन फिल्म मेकर्स हैं उन सब में काफ़ी उत्सुकता है। और जो पवेलियंस की हम बात कर रहे हैं आपको कि एक तरीके से एक पूरे पूरा जो लेन है उसमें पवेलियंस लगे हुए हैं कई देशों के, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भीड़ की बात करें तो वो भारत पवेलियन में ही होता है, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, सबसे ज़्यादा चर्चा सेशंस, और ना सिर्फ हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ बल्कि जो बातचीत करने के तरीके होते हैं उसे भी काफ़ी एक नॉवल तरीके से बनाया जा रहा है। हर साल हम देख रहे हैं, इस बार हमने देखा कि फिक्की ने जो भारत पवेलियन बनाया हुआ है, जो NFDC ने बनाया, मैनेज फिक्की ने किया है, उसमें उन्होंने कियोस्क का भी ऑप्शन दिया है, जहाँ पर कोई एक जो नया नया आया है फिल्म मेकर वो चाहे अगर एक मीटिंग शेड्यूल करने के लिए तो वो यहाँ वहाँ ना भटके, या तो वो डायरेक्ट जो काउंटर पे हो उनसे बात कर ले, या तो वो कियोस्क में जाके एक फॉर्म भरे और अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर ले, और उसे समझ में आ जाएगा कि कौन सा दिन पे, कौन से समय पे उसे भारत पवेलियन में आना है। तो ये काफ़ी एक तरीके से सहूलियत दी गई है, ना सिर्फ आगे जाके फिल्म के डिसीजन को लेने में, बल्कि जो पहले बातें होती हैं उनको भी एक बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों को ये सुविधा दी जा रही है। जी बिल्कुल श्यामा, तमाम तरह की सहूलियत सुविधाएं हैं और काफ़ी सरल हम मान सकते हैं जो प्रक्रिया है, जिसकी वजह से लगातार जो भारत है उसकी तरफ हर देश जो है वो आकर्षित हो रहा है, और खासतौर से जो पवेलियन है इसकी तरफ भी आकर्षण लोगों का बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने कांस में किस तरीके से लगातार अलग अलग जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं, सत्र में और क्या हो रहा है, लेकिन और आने वाले समय में क्या कुछ खास रहेगा इस पर भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।